2 करोड़ का अस्पताल हांप रहा है धूल। एक तरफ जहां प्रदेश की जनता अस्पताल की कमी के चलते इलाज के लिए महानगरों का रुख कर रही है, वहीं प्रदेश में 2 करोड़ की लागत से बना अस्पताल बंद पड़ा है, जिस वजह से हल्द्वानी की जनता और मरीजों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। ये महंगी लागत में बना अस्पताल हल्द्वानी का है। हल्द्वानी के शोभन सिंह जीन अस्पताल में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान करीब 2 करोड़ रुपए की लागत से 9 बेड आईसीयू वार्ड बनाया गया था। शुरुआत में कुछ दिनों तक इसे संचालित किया गया, लेकिन कुछ समय बाद स्टाफ न होने का हवाला देते हुए इसे बंद कर दिया गया। तब से लेकर आज तक आईसीयू वार्ड शुरू नहीं हो सका है, जिसके चलते गंभीर मरीजों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आईसीयू सुचारू न होने से दूर दराज से आए लोगों को प्राइवेट अस्पतालों का रुख करना पड़ रहा है, जहाँ भारी भरकम बिलों का बोझ उनकी कमर तोड़ रहा है। हकीकत ये है कि आईसीयू वार्ड के लिए स्टाफ नहीं है। कुछ दिनों पहले बेस अस्पताल हल्द्वानी का निरीक्षण करते हुए स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश द्वारा आईसीयू का संचालन न होने पर कड़ी नाराजगी जताई गई। उन्होंने अस्पताल प्रशासन को जल्द से जल्द आईसीयू शुरू करने के निर्देश दिए हैं। देखिए, यहाँ पे एनेस्थेटिस्ट की तैनाती हो चुकी है नोडल अधिकारी के तौर पे। अभी सीएमएस साहब को मैंने अभी इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि यहाँ पे 2-3 इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर्स और 4 स्टाफ नर्सेस की भी इमीडिएटली तैनाती सुनिश्चित करें। जो हमारे पास 32 स्टाफ नर्सेस हैं, उन्हीं में से हम लोग यहाँ पे डिप्यूट करेंगे, और जो हमारे पास 5 इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर्स हैं, उन्हीं में से यहाँ पे ड्यूटी लगाएंगे और जल्दी इसको शुरू करा दें। पहाड़ की जनता अस्पतालों के अभाव के चलते शहरों के बड़े बड़े अस्पतालों का चक्कर काट रही है। भटकते भटकते कई घरों के चिराग बुझ भी जाते हैं, लेकिन स्वास्थ्य महकमे में कोई फर्क नहीं पड़ता। स्वास्थ्य विभाग भले ही स्वास्थ्य व्यवस्थाएं दुरुस्त करने की कई वादे करता हो, लेकिन अस्पताल का दौरा करने पहुंची स्वास्थ्य सचिव को हकीकत कुछ और ही नजर आई है। मौके पर पहुंचे हमारे सहयोगी ने 2 करोड़ की लागत में बनाई अस्पताल देखा, तो वहां की ग्राउंड रिपोर्ट में क्या कुछ सामने आया वो आपसे साझा करते हैं। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत और स्वास्थ्य सचिव लगातार प्रयास कर रहे हैं। सरकार जनता को बेहतर सुविधाएं प्रदान कर रही है, लेकिन उन्हीं के विभागों के अधिकारियों की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही देखने को लगातार मिल रही है। कभी कर्मचारियों की बात की जाती है तो कभी विभाग के अधिकारियों के द्वारा ही स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने का प्रयास तो किया जा रहा है, लेकिन लगातार जो लापरवाही है, जिसके कारण से जो आम पब्लिक है या जो मरीज है उनको कहीं ना कहीं बेहतर सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। उत्तराखंड के कुमाऊं रीजन की अगर बात करें तो सबसे बड़ा अस्पताल बेस अस्पताल है, जहां पर हर रोज हजारों मरीज लगातार यहां इलाज के लिए पहुंचते हैं। इस वजह से, क्योंकि उन्हें बेहतर सुविधा यहां मिलेगी और बेहतर इलाज के साथ ही वो स्वस्थ हो पाएंगे, लेकिन प्रशासन की लापरवाही कहें या स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की नाकामी, जो यहां अभी भी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बदहाल बनी हुई है। साथ ही अगर बात करें तो आईसीयू बनकर तो तैयार है, लेकिन मरीजों को इसका लाभ अभी तक नहीं मिल पा रहा है। करोड़ों की लागत से बने हुए इस आईसीयू को ऐसे ही डंप किया जा रहा है। जो कीमती मशीनें हैं या जो आईसीयू के अंदर रखा हुआ सामान है वो लगातार खराब हो जाएगा, और ऐसी स्थिति में अगर जल्द स्वास्थ्य विभाग ने इस आईसीयू को चालू नहीं किया तो करोड़ों की लागत से बना हुआ ये आईसीयू कहीं ना कहीं खराब हो जाएगा। राहुल सिंह, हल्द्वानी।